की हजूरी दे विच तुहाडा स्वागत है सारे दा एक बार फिर खुदा दी हजूरी दे विच। असीं एक बार फिर परमेश्वर दी हजूरी दे विच जुड़ रहे हैं। शिफा चर्च मिनिस्ट्री वालों मैं परमेश्वर दा पवित्र दास तुहाडा सारे दा स्वागत करदा, वेलकम करदा, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। और सारे मेरे वालों प्यार भरी जय मसीह दी, प्रेज द लॉर्ड, ताकि खुदा दी हजूरी तुहानू छूवे, परमेश्वर का वचन तुहानू छूवे, परमेश्वर की हजूरी दे विच तुसी अगे वध सको और सारिया ही चिंतावां तुहाडियां हट सकन, तुहाडा सारा ही बोझ हट सके। बहुत ही खास गल्लां अज परमेश्वर के वचन दे विच असीं करन जा रहे हां। तुसी सारे ऑनलाइन हो सकते हो परमेश्वर की हजूरी दे विच अपने अपने घरां दे विच, अपने अपने लैपटॉपां दे विच, एलईडी दे विच, और हर जगह परमेश्वर का वचन तुसी ना ना शेयर कर सकते हो, और ताकि परमेश्वर का जिहड़ा वचन आ वो पहुँचे हर जगह, हर एक दे कोल, हर एक दे कोल परमेश्वर का वचन होगा तो वह आने वाली तबाही तो बच जाएगा। परमेश्वर का वचन जिहड़ा वह आने वाली तबाही तो बचाउंदा आ। हालेलुया। इस तो पहला कि असी वचन शुरू करिए और दुआ करांगे। आसमानी बाप तेरा धन्यवाद करते हैं, लश्करां दे बादशाह राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, तू महान ते भला परमेश्वर आ प्रभु, तू चेंज करने वाला परमेश्वर आ, तू बदलने वाला परमेश्वर आ। हालेलुया। इंसान की लाइफ में चेंज करने वाला परमेश्वर आ, खुदा हर एक समस्या के विचों तू सानू बाहर कढ़न वाला परमेश्वर आ। इस समय परमेश्वर मैं तेरे दास हूँ दे नाते अज प्रार्थना करदा परमेश्वर, आज शिफा चर्च मिनिस्ट्री के विच तेरे अद्भुत काम नजर आन परमेश्वर। मैं एक एक फैमिली नू ब्लैस करदा यीशु के नाम के, एक एक बेटे नू, एक बेटी नू ब्लैस करदा यीशु के नाम के, और हुण दे पवित्र आत्मा की सामर्थ वचन के द्वारा इन्हां नू टच करे, अज वचन बंधन तोड़े, वचन ज्ञान दवे ते वचन स्टैंड करना सिखाए, वचन अभिषेक लैना सिखाए। अज तेरे लोग अभिषेक ना भरन, मसा ना भरन, और फिजिकली मैंटली स्पिरिचुअली हरेक इन्हां दी समस्या बन तो ये बाहर आ यीशु के नाम के, मैं बोलदा बाहर आओ यीशु के नाम के। परमेश्वर का तरोताजा फ्रैश अभिषेक जो इजराइलियां ते उतरता सीगा, वह अभिषेक उतरे, वह मसा उतरे तेरे लोगों ते परमेश्वर रब लवा शुद्ध रूबोथी लाबा बाबा रीखर रब लवा, आज जिंदगियां बदल परमेश्वर। अज मेरा दास प्रभु इन्हां दे लई प्रार्थना करदा आ, अज तेरा वचन खुलन तो पहला साढ़े दिल दिमाग कन ओपन हो, साडा हार्ट ओपन हो यीशु के नाम के प्रभु, हो दियो प्रभु अज सना जिंदगी दियां गल्लां कर परमेश्वर, अज तेरा वचन साडे बंधन तोड़े। हालेलुया। रब रबा शुद्ध रबो थीला बाबा बाबा परमेश्वर अपने लोगों को अज ब्लैस कर, अपने वचन द्वारा गल कर पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी थोड़ा असी स्वागत करते हैं, अज गल करो अपने लोगों के नाल, अज सही डिसीजन तेरे लोग लैन परमेश्वर, और तेरी हजूरी दे विच ब्लैसिंग दे विच वधदे जाण। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं अज की शाम ले, अज की सुबह दे ले परमेश्वर, हरेक जगह मैं तेरा दबदबा चाहना आ, तेरा फजल, तेरा किरपा चाहना आ। रब लबा थोनी शुद्ध रोबो थी लबा बाबा, थैंक यू जी, धन्यवाद परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु का नाम लेकर मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वचन जो सानू तरोताजा करता, साडिया जिंदगी की प्यास नू बुझांदा परमेश्वर, सानू अभिषेक दे नाल मसा करदा परमेश्वर, और फजल रखदा। परमेश्वर ने कहा आकाश मेरा सिंघासन, धरती मेरे बैठण दी चौंकी आ। असीं उहदी चौंकी दे विच बैठे हाँ, वो परमेश्वर किन्ना भला परमेश्वर, उहदी सोच किन्नी वड्डी आ, ते उहदा फजल किन्ना वड्डा आ, ते उहदी दया किन्नी वड्डी आ जिहड़ी मनुख जाति लई साडे अते तुहाडे वास्ते है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहुंदा आ कि असीं उहदी हजूरी दे विच वधीए। रुकण वालियां नूं परमेश्वर पसंद नहीं करता, ठहरन वालियां नूं परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर कहता कंटीन्यूअस मेरे पिछे चलते जाओ, मेरे पिछे चलते जाओ, मेरे हुक्मों के अनुसार चलते जाओ। परमेश्वर उन्हां नूं समय सिर उच्चा उठाता आ। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और टू संडे और असी लगातार परमेश्वर का वचन ऑनलाइन सुनिया, और इस तो पहला भी सुनिया, पहले लॉकडाउन दे विच भी परमेश्वर दे वचन ऑनलाइन संडे नूं हुंदे रहे, तुसीं घरां दे विच बैठ के परमेश्वर दी आराधना भी कीती, साडी टीम ने चर्च विच जाके आराधना कीती, घरां च आराधना कीती। पर अज फ्राइडे आ,
अज फ्राइडे और आने वाले संडे दो विषयों के उत्ते परमेश्वर ने प्रकाश मैं दिता आ जड़ा उन्होंने उत्ते असी चर्चा करनी है। और अज फ्राइडे जो मैसेज मैं तुम्हें देन जा रहा यदा अद्धा पार्ट जोड़ा आ संडे असं कंप्लीट करा ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पा सको और परमेश्वर दल्लां तुहाडे मन दे विच ठहर सकन। मतलब अज जो मैं वचन तुहानू सिखा जा रहा परमेश्वर की हजूरी दे विच सेम उहदा दूसरा पार्ट पहला पार्ट और दूजा पार्ट असी संडे नू इहनू कंप्लीट करांगे। पर मेरी एक बेनती है कि कोई भी इस वचन नू मिस ना करे और इस संदेश नू मिस ना करे जो परमेश्वर ने आत्मा दे जरिए मैनू दिता कलीसिया दे वास्ते शिफा चर्च मिनिस्ट्री लई हर एक विश्वासी भैण भाई दे लई हर एक खुदा दे दास और दासी दे लई चाहे वह इंडिया च इंडिया तो बाहर है किसी भी कंट्री का किसी भी जगह सेवा करता किसी भी जगह वो परमेश्वर की आराधना करता आ। पर मैं चाहना है कि ये जो मैसेज आ गॉड का मैसेज आ ये तुसी मिस ना करो। फ्राइडे और संडे ये टू डे लगातार एक संदेश चलेगा एक सिक्ख्या चलेगी जो असी इन्हां दो दिनों के पूरी करा। मैनू पता है कि ये जो सिक्ख्या आ बहुत लंबी आ पर फिर भी असी इन शॉर्टकट के जो भी पवित्र आत्मा सानू सिखाएगा वो द्वारा असी चलांगे सिखांगे और परमेश्वर का अभिषेक पावांगे। हालेलुया। और रेडी होवो अपनी जगह पर तैयार होवो और नाल नाल मैं एक बेनती करदा कि इसनू शेयर करो परमेश्वर के वचन नू। शेयर करना क्यों जरूरी आ क्योंकि थोड़े फ्रेंड्स थोड़े दोस्त थोड़े नेबर्स थोड़े टच विच जिन्हें इंटरनेट पर वो परमेश्वर का वचन सुनगे और वो भी आशीष पाणगे वो भी छुटकारा पाणगे जिवें तुसी पा चुके हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा मुफ्त मिले मुफ्त दे दियो इनू शेयर का बटन दबाओ ताकि लोग अपने घर के बरकत पाण। हालेलुया। वचन तो पहला परमेश्वर एक नाम मैनू दे रहा कोई मीना आ मीना परमेश्वर मीना कह रहा कि मैं बेटी तेनों कामयाब कर जा रहा तेरा रिपोर्टा नॉर्मल आन गई तेरी फिजिकली जो प्रॉब्लम चल रही आ परमेश्वर उद तो तेनों बाहर क्ढन जा रहा यीशु के नाम में आने वाले 20 डे दे विच तू नॉर्मल होवेगी तो परमेश्वर की हजूरी दे विच तू आशीष पावेगी। हालेलुया। परमेश्वर तेनों आशीष देगा तेरे घर च आशीष देगा पर इस समय तेरे हालात बड़े स्ट्रगल वाले आ कलेश वाले आ मैं देख रहा बट परमेश्वर आने वाले दिनों तेनों ब्लैसिंग दे विच लैके जाएगा परमेश्वर तेनों आशीष देगा और आत्मा दे विच अगे वधाएगा। हालेलुया। इस करके मैं चाहना है कि तुसीं परमेश्वर के वचन नूं फैलाओ ताकि लोग आशीष पाण परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। बहुत सारिया गल्लां परमेश्वर ने कई बार अपने लोगों नूं कहा कि तुसी की हो जाओ लॉकडाउन हो जाओ जां तुसी अंदर चले जाओ जां तुसी रुक जाओ जां मेरी ये आग्ञा नूं मन्नो इस आग्ञा के द्वारा तुसी चलना आ। जो तुसी शुरुआत विच देखते हैं ये दुनिया का एक बार अंत हो चुका है इस दुनिया नूं परमेश्वर ने एक बारी बनाया तो एक बारी नाश भी कर दिता आ परमेश्वर ने। शैतान की मैं गल नहीं कर रहा कि शैतान इस दुनिया नूं नाश कर सकता है दुष्ट आत्माएं नाश कर सकती है नैवर ये भुल जाओ अपने माइंड चो कढ़ दो कि दुष्ट आत्माएं कदे भी दुनिया नूं नाश कर सकती है। हाँ दुनिया नूं परेशान कर सकती है क्लेश कर सकती है एक्सीडेंट कर सकती है बीमारियां लेके आ सकती है बहुत तरह दियाँ तकलीफा साड़ी लाइफ दे विच आ सकदियाँ बहुत तरह दे स्ट्रगल आ सकदा आ कोई बीमारी आ सकदी रोग आ सकदा हो सकदा साड़ा जीवन रुक जाए हो सकदा साड़ी नौकरी चल जाए हो सकदा साड़ा बिजनेस चौपट हो जाए हो सकदा साड़ा घर ढह जाए साड़ा पैसा चले जाए हो सकदा कि सानू औलाद ना मिले हो सकदा जमीन ना मिले हो सकदा कि असी पूरी लाइफ अपनी स्ट्रगल दे विच चल रहे हैं लगातार ये दुष्ट आत्मावां काम कर सकदियाँ आ पर डोंट वरी हो सकता दुष्ट आत्मा किसी नशे कराने लग जा किसी के कलेश पै जाए जा तलाक हो जाए जा विपतावान बढ़ जा चिंतावान बढ़ जा पर परमेश्वर ने वो जो शैतान थोड़ी लाइफ के कम करे दुष्ट आत्मा ही कम करन नाले परमेश्वर ने रास्ता दसिया उपाय दसिया कि परमेश्वर का वचन जोड़ा वह उपाय आ। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ने युद्ध करन दा दुष्ट आत्मा तो जितन दा दुष्ट आत्मा तो आजाद होने का उपाय केवल वर्ड ऑफ गॉड या वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर का पवित्र वचन है। हालेलुया। जिन्होंने यदा हार बना लिया जिन्हें इनू अपने मन च रख लिया दिल च रख लिया कदे लज्जित नहीं होएगा शर्मिंदा नहीं होएगा परमेश्वर समय सिर अपनी सामर्थ्य नाल भर के उठाएगा और हरेक विपता का सामना करना सिखाएगा तो उस तो बाहर भी कढ़ेगा।
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान इस तरह का बने हालेलुया जो असी स्टार्टिंग में देखते हैं परमेश्वर ने एक बार दुनिया को बनाया तो एक बार परमेश्वर ने दुनिया को नाश कर दिता क्योंकि इंसान को बनाने तो परमेश्वर को रंजिश हुई बाइबल दे विच लिखिया जो उत्पत सत अध्याय असी पढ़ते हाँ उत्पत जेनेसिस जो असी पहला किताब बाइबल की पढ़ते हाँ वह असी जो सत अध्याय कढ़ते हाँ मेरे नाल तुसी अपनी अपन बाइबलां ओपन कर सकते हो जो नहीं भी कर सकते डोंट वरी सुन सकते हो परमेश्वर का वचन हालेलुया और बाइबल दे विच लिखिया आ कि एक बार परमेश्वर ने दुनिया को बनाया आदम हवा बनाया उस तो बाद पीढ़ियाँ शुरू हुई उस तो बार परमेश्वर ने कायन ते हाबिल नू जन्म दवाया ते फिर उन्हां दी अगाह पीढ़ियाँ शुरू होईयां बहुत सारे लोग जिहड़े पैदा होने शुरू हो गए धियां पुत्र पैदा होने शुरू हो गए पर बाइबल दे विच लिखिया नूह जिहड़ा सीगा नूह दे बारे जदों असीं देखदे हां और जदों असीं सत अध्याय देखदे हां और छे अध्याय देखते हां बाइबल दे विच और परमेश्वर ने नूह दे द्वारा किवें गल कीती ते नूह दा जन्म किद्दां होया ते बाइबल दे विच लिखिया 520 सालां दा सीगा नूह 520 सालां दा सीगा नूह जदों परमेश्वर ने नूह दे नाल गल कीती बड़े गौर दे नाल सुनना जदों नूह दे नाल परमेश्वर ने गल कीती 520 साल दा सीगा ते परमेश्वर ने उहनूं कहा कि मैं दुनिया नूं बना के दुखी हाँ परेशान हाँ अते मैं इस दुनिया नूं हुण नाश कर देवांगा वाई क्यों परमेश्वर दुखी होया क्यों परमेश्वर ने रंजिश दिखाई क्योंकि दुनिया दे विच पाप बढ़ चुका सी दुष्टता बढ़ सी धार्मिकता जिहड़ी खत्म हो चुकी सी ते बाइबल दे विच लिखिया जो धार्मिकता उन्हें देखिया खत्म हो गई परमेश्वर ने देखिया जिस इंसान नूं मैं बनाया वह अपनी अपनी मर्जी दे नाल चल रहा अपनी 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 इच्छा नूं पूरा करन दे लई वह कुछ भी कर रहा कतल कर रहा भरा भरा नूं मार रहे आ कलेश पै रहे आ इतों तक कि जिहड़े स्वर्गदूत सीगे स्वर्गदूत कह सकते हैं उन्होंने कुछ स्वर्गीय थावां ते बैठिया दुष्ट आत्मावां सीगियां उन्होंने धरती के उत्ते आके पाप करना शुरू कर दिता धरती के लोगों ने पाप करना शुरू कर दिता इतों तक कि बाइबल दे विच लिखिया कि दुष्टता इन्नी बढ़ गई लोगों ने बच्चावां दी पूजा करनियां शुरू करतियां धरती नूं पूजना शुरू कर दिता दुष्टता बढ़ गई बुराई बढ़ गई ते परमेश्वर ने कहा मैं इस इंसान नूं जिहनूं मैं बनाया अपने हत्थां नाल मैं उन्हूं नाश कर देवांगा परमेश्वर ने दुष्टता नूं देख के नाश करन दा फैसला किया सेम इस तरह परमेश्वर ने जदों देखिया कि धरती उत्ते दुष्टता इन्नी बढ़ गई आ पर इसे सत अध्याय दे विच लिखिया आ कि परमेश्वर ने नूह नूं जदों देखिया नूह दे उत्ते निगाह मारी ते बाइबल च लिखिया उन्हूं नूह एक धर्मी व्यक्ति नज़र आया हालेलुया धर्मी व्यक्ति नज़र आया ते परमेश्वर ने नूह नूं कहा कि तू की कर अपने परिवार नूं और हरेक जानवर दे हरेक नर और नारी नूं लै के अपने नाल किश्ती दे विच चढ़ जाई अते तू किश्ती बनानी शुरू कर क्यों क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं 40 डे 40 दिन रात मैं धरती उत्ते मीह पाउण वाला हाँ हालेलुया बाइबल दे विच बहुत बार 40 डे का वर्त इस्तेमाल किया गया 40 दिन का इस्तेमाल किया गया बड़े ध्यान नाल सुनना 40 दिन का बाइबल दे विच बहुत बड़ा एक खुलासा किया गया 40 दिन 40 रात और असी यही विषय ते सीखन जा रहे हैं फ्राइडे और संडे नू फ्राइडे और संडे नू दो असी मैसेज ये जड़े बनाए आ परमेश्वर दे आत्मा ने दिते आ उन्हां नू लैके असी परमेश्वर दे पवित्र वचन दे द्वारा असी लोगों नू आशीष देन जा रहे हैं यीशु दे नाम दे विच इस वचन दे द्वारा असी आशीष पाऊंगे 40 डे 40 दिन रात नूह क्या परमेश्वर ने कहा कि मैं 40 दिन रात की करांगा मैं की करांगा बारिश करांगा तो लोग उहदे विच नाश हो जाएंगे जिहड़ा भी साह लैण वाला प्राणी आ चाहे वह मनुख आ चाहे वह जानवर आ चाहे उड़न वाला पंछी आ किस्म वाला जानवर आ मैं हरेक जाति दे जानवर मैं की कर देवगा नाश कर देवगा मैं उन्होंने खत्म कर देवगा क्योंकि मनुख के द्वारा यह सारी सृष्टि जी भ्रष्ट हो गई सी तो परमेश्वर ने नूह नूं कहा मैं तेनों बचाना चाहना जिन्हों तू चुनेगा एक जानवर नूं नर और नारी नूं लैके तू उहदे विच चढ़ जाई तो अपने परिवार को लैके चढ़ जाई
हालेलुया। ते बाइबल दे विच लिखिया एक करदे करदे भी काफ़ी समा बीत गया। नियर अबाउट इतने लिखा आ जो असी उत्पद वह 7 अध्याय तो वो असी 11 आयत को पढ़ते हाँ। इतने लिखा जब नू की आयु 600 वर्ष अपने शब्द कह दते वो पूरे होणगे डेफिनेटली होणगे 100% होणगे। बाइबल दे विच लिखा जो परमेश्वर ने एक बार थोड़े भविष्यवाणी करती डेफिनेटली पूरी होगी। जो परमेश्वर ने थोड़े बोल दिता वह पूरा होगा। जो परमेश्वर ने दुनिया ले बोलिया सगा तो वह पूरा होगा होगा। हाले लुईया कई लोग कहें कि जी करोना महामारी चल रही है बड़े ध्यान न सुनना ये वास्ते किसी ने भविष्यवाणी की किसी को दिखाया सगा किसी सुपना आया सगा किसी भी सिस्टर ब्रदर न कि परमेश्वर ने अगवाई की सी अज तो 2 साल पहला 4 साल पहला कि इस तरह की महामारी आएगी इस तरह होगा होगा। पर मैं तुम्हें दसदा राइट किसी ना किसी दिखाया होगा वो परमेश्वर की कृपा के नाल किमें दिखाया आई डोंट नो बट मैं तुम्हें दसदा कि भविष्यवाणी तो अज तो 2021 साल पहला यीशु मसीह ने कर दिती सी। हालेलुया हालेलुया के महामारियां आनगियां तबाहियां आनगियां भूचाल आनगे काल पैणगे कौमां कौमां ते चढ़ाई करनगियां खलबली मच जाएगी हलचल मच जाएगी कलेश बच जाएगा विपतावां बच जाणगियां तो उस समय चौकस हो जाना जान लेना कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जल्द आने वाला आ। हालेलुया सब तो वड्डी भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने पहला ही कर दिती सी। सेम इस तरह नूह नूं कहा सगा मैं दुनिया नूं नाश करन जा रहा कि नूह ने विश्वास किया कि नहीं। बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर ने एवें उन्हूं धर्मी नहीं किया सगा एवें उन्हूं ये नहीं किया सगा कि मैं तेनूं बचावांगा ते पूरी दुनिया नूं नाश करांगा एवें नहीं उहदे परिवार नूं बचा लिया सी क्योंकि नूह वफादार ईमानदार आग्ञाकारी बंदा सगा। हालेलुया नूह दे विच क्वालिटियां सीगियां परमेश्वर ने देखियां नूह दे अंदर समर्पण देखिया सगा। हालेलुया नूह दे अंदर ओ परमेश्वर दे वचन दी समर्थ देखी सी नूह ने वफादारी नाल परमेश्वर नूं मन्निया ते वफादारी दिखाई भी। जे परमेश्वर ने कहा कि मैं तैनूं कहना कि मैं दुनिया नूं नाश करन जा रहा तो नूह ने स्वीकार कर लिया कि हूँ नाश होवेगा दुनिया का। नूह नूं कहा कि तू किश्ती तैयार कर ते नूह मन गया कि मैनूं किश्ती तैयार करनी चाहीदी आ। हालेलुया हो सकिया कि वह मखौल डाया गया जो किश्ती बना होगा कि एड्डी बड़ी किश्ती क्यों बना रहा भाई हो सकता कि वचना के उत्ते विश्वास नहीं सी लोग करते वो जो कहना होगा मैं इस करके किश्ती बना रहा क्योंकि परमेश्वर दुनिया नाश कर रहा दुनिया हसती होगी मखौल डांदी होगी दुनिया वह मखौल डांदी होगी कि बोलिया इदा कि हो सकती है इदा इदा पानी कि भर सकता चलो एक जगह मीह पै जाएगा दो जगह पै जाएगा हर जगह नहीं पै सकता दुनिया मखौल आँदी होगी पर नूह बोलदा गया नूह ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। अज हो सकता थोड़े हालात सही ना हो लोग थोड़ा मजाक उड़ाते हो लोग थोड़ा मखौल उड़ाते हो तुम क्रिश्चियन बन गए थोड़े परमेश्वर ना मानते हो पर मैं तुम दसना चाहना कि डोंट बैरी जे परमेश्वर ने तुम्हें दर्शन दिते जे परमेश्वर की इच्छा के नाल तुसी चल रहे हो जे परमेश्वर ने कहा तुसी धर्मी हो तो तुहानू कोई भी दुष्ट नहीं कह सकता। हालेलुया साबित नहीं कर पाएगा जे कह भी देगा। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर उन्होंने इन्नी अथॉरिटी नहीं देगा कि साबित कर सकन। हालेलुया कि परमेश्वर चाहता है कि तुसी की करो परमेश्वर के राहों चलो परमेश्वर के वचन चुनो जिमें नूह ने चुनिया नूह के अंदर फिजिकली तौर पर आत्मिक तौर पर स्पिरिचुअल तौर पर परमेश्वर के अगे समर्पण सगा उन्हें पता सगा कि मेरा परमेश्वर एक बार जो बोलता उन्हें करता है। परमेश्वर ने जो बाइबल दे विच असी जो 12 आयत पढ़ते हाँ मेरे नाल तुसी बाइबल दे विचों एक बार फिर इहदी जिवें कि असी 11 आयत पढ़ी आ उस तरह असी 7 दी जो असी 12 आयत पढ़ते हैं इतने लिखा अते धरती उत्ते 40 दिन और 40 रात बरखा होंदी रही। हालेलुया कहन दा मतलब कि धरती दे उत्ते 40 दिन 40 रात वर्खा होंदी रही जो परमेश्वर ने कहा सगा वो पूरा होना शुरू हो गया। जो नूह नूं कहा सगा उदों 520 साल नियर अबाउट
नूह की एज सी तो जो ये जल परलो आई तो बाइबल समा लिखा कि उदो नूह की उम्र 620 साल सी मतलब 100 साल ये का गैप सगा 100 साल गैप सगा पर परमेश्वर ने उसनों पूरा किया डेफिनेटली पूरा किया। कई लोग कमज़ोर हो जाते हैं, कई लोग कमज़ोर हो के अपने रामा तुर पाते परमेश्वर चढ़ देंगे कि परमेश्वर ने मेरी प्रेयर नहीं सुनी, मेरे कोई भला नहीं होया, जा मेरी ये विशिश पूरी नहीं हुई, हले तक नहीं हुई, मैं 2 साल हो गए चर्च आने, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, मेरी हले विशिश पूरी नहीं हुई। बहुत सारे लोग निराश होकर वचन तो फिर जाते नूह की तरह समर्पण नहीं कर पाते। मैं चाहना कि सेम इस तरह परमेश्वर चाहता कि तुसी नूह की तरह समर्पण रखो, नूह की तरह परमेश्वर के उत्ते ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो कि परमेश्वर ने जो बोलिया वह डेफिनेटली करेगा, चाहे लोग मजाक उड़ान, चाहे दुनिया छड़ दे, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, पर यशुआ की तरह मैं ते मेरा घराना परमेश्वर के पिछे चलणगी। ये साडा फैसला आ, ये साडे उत्ते डिपेंड आ। परमेश्वर कहता जो तुसी फैसला करोगे तो थोड़े अगे दुश्मन नट जाएंगे, यीशु के नाम में थोड़े अगे दुष्ट आत्मा शर्मिंदियां होंगी, थोड़े अगे पाप जाएगा, थोड़े अंदर बीमारियां निकलगियां, थोड़े सामने कोई विपता खड़ी नहीं रह पाएगी। बाइबल च लिखा कोई इवल स्पिरट थोड़ा सामना नहीं कर पाएगा, थोड़ी प्रेयर स्ट्रोंग हो जाएगी, थोड़ा अभिषेक स्ट्रोंग हो जाएगा, थोड़ा बल स्ट्रोंग हो जाएगा। परमेश्वर कहता मैं थोनों उन्होंने चीज़ों तो बाहर कट लियावगा यीशु के नाम के। हालेलुया। कि वह बल अज जवान कि वह अज बजुर्ग बच्चे पाना नहीं चाहते। मैं चाहना अज की प्रेयर में शेयर करो और अपने आप दे लई अज सोचो कि मैं नूह की तरह किमें वफादारी ना चलांगा चलांगा, मैं नूह की तरह किमें परमेश्वर नूं वफादारी दिखावांगी। हालेलुया। 40 डे तक परमेश्वर ने कहा सगा ते बाइबल दे विच लिखा 40 दिनों तो बाद 150 दिन धरती उत्ते पानी रहा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा वह डेफिनेटली हुंदा। 150 दिनों दे विच सारी दुनिया नाश हो गई, नूह ते नूह दा घराना बचिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर दे अगे समर्पण किया सगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर नूं दिखाया सगा कि असी सच्चे धर्मी हाँ, उन्होंने वो किश्ती नूं बनाया सगा, उन्होंने वो सारे वचनों नूं पूरा किया सी जो गॉड ने परमेश्वर ने नूह नूं आख्या सगा। याद रख बेटी, जे तू परमेश्वर दे वचन नूं सुन चुकी हाँ, पढ़ चुकी हाँ, पढ़दा हाँ, पढ़दी हाँ, जे तू इन्ना प्यार करेंगी जां इन्ना वफादारी दिखाएंगी, बाइबल दे विच लिखा पूरी दुनिया नाश हो जाए पर तू बच जावेंगा, तू बच जावेंगी, तेरा परिवार बच जाएगा, तुसी स्वर्ग दे अधिकारी होवोगे। हालेलुया। सारी दुनिया महामारी च मर जाएगी पर तेरी हिफाजत करने वाला परमेश्वर जिंदा आ ते ओ तेनू छुड़ाएगा। आमेन। हालेलुया। ओ तेनू उन्हां महामारियां तों कढ़ेगा, ओ तेनू स्वर्गी थावां ते बिठाएगा, ओ तेरे उत्ते भला करेगा। सारी दुनिया चाहे इन्हां महामारियां दे विच, बीमारियां दे विच, अंधकार दीआं ताकतां दे विच, कलेशां दे विच, झगड़ियां दे विच नाश हो जाए, केसां दे विच, सराफा दे विच, हर तरीके की बैड न्यूज़ दे विच नाश हो जाए, पर तू ते तेरा घराना बचाया जाएगा जो तू नूह दी तरह ईमान रखेगा, विश्वास रखेगा। हालेलुया। मैं चाहना कि अपनी स्क्रीन दे उत्ते आमीन लिखिए और खुदा की वडियाई करिए, खुदा की तारीफ करिए। हालेलुया। क्योंकि जो तुसी परमेश्वर की हजूरी दे विच रसीव करते हो, जो तुसी खुदा की हजूरी दे विच रसीव करते हो, परमेश्वर उस तरह करन दी सामर्थ रखता है। रब अलावा शो दुरबुद्धि कर बाबा बाबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर चाहता कि थोड़े उत्ते वड्डी दया मैं दिखावां। हालेलुया। और सेम इस तरह जिदा नूह नूं कहा सीगा, नूह ने पूरा किया, उस तरह मूसा भी परमेश्वर के नाल चलिया, परमेश्वर के नाल रहिंदा सीगा। परमेश्वर ने मूसा नूं भी ब्लैस किया। अज दो जिहड़े खुदा दे अभिषेकित शिगिरद सीगे, परमेश्वर के दास सीगे, परमेश्वर के ओह दया सीगी जिन्हां दे उत्ते परमेश्वर दी, मैं दसदा कि दया बनाई जाती आ, परमेश्वर की कृपा लई जाती आ, परमेश्वर की रहमत रसीव की जाती आ, परमेश्वर नूं खुश करके, परमेश्वर के राहां ते चल के, परमेश्वर नूं समर्पण दिखा के अज असी की करते हैं, परमेश्वर के लिए की समर्पण करते हैं। हालेलुया। असी परमेश्वर के भवन के लिए की करते हैं, परमेश्वर के सेवकों लिए की करते हैं, कलीसिया लिए की करते हैं, चर्च लिए की करते हैं, कि असी फाइनैशियली तौर पर सपोर्ट करते हैं, जां असी
फिजिकली तौर पर भी सपोर्ट करते हैं जा किस तरह की असं सपोर्ट करते हैं। बाइबल च लिखा अपने अंदर क्वालिटियां पैदा करो ताकि परमेश्वर थोड़े तो खुश हो, परमेश्वर थोड़े तो आनंदित होमी कह के बचावे, तो अपना कह के बचावे, अपनी बेटी अपना बेटा कह के वह बचावे। परमेश्वर के मन को खुश करो, उन्होंने प्रसन्न करो। किमें किया जाता? परमेश्वर के वचन के अनुसार। हाले लुईया हाले लुईया। तुहानू चिंता होनी चाहिए परमेश्वर के भवन की, तुहाडे उत्ते जिम्मेवारी होनी चाहिए परमेश्वर के भवन की। हाले लुईया। तुहाडा फैमिली, तुहाडा परिवार, तुहाडे रिश्तेदार, तुहाडे आंढ गुआंढ, तुहाडा अपना घर, घर के चीज़ा खाण पीण वाली, रहण वाली, उगाण वाली, बीजण वाली सारिया चीज़ा, तुहाडे अपने फ्रेंड्स, अपने काम, अपनी जॉब, अपनी नौकरी, ये एक सैड पर आ। उस तो अलग होके कि मैं परमेश्वर दे लई, परमेश्वर की आराधनालय दे लई, परमेश्वर की सेवा दे लई मैं की प्लान कर रहा, मैं की सोच रहा, उहदे वल अपना ध्यान करो ताकि परमेश्वर तुहानू कहे तुसी धर्मी हो। हाले लुईया। तुहानू मैं बचाना चाहुंदा आ, परमेश्वर तुहाडा नाम लैके तुहानू ब्लैस करे। जिवें नूह नूं कहा, नूह एक धर्मी बंदा, नूह दे उत्ते मैं फजल किया, नूह की परवाह, तो नूह सेफ होया उस वड्डी भयंकर महामारी के। हाले लुईया। सब तो वड्डी महामारी जिहड़ी आई धरती के उत्ते जदों परमेश्वर ने सारी धरती नूं, धरती के जीआं नूं नष्ट कर दिता। इस तो बद के कोई हजे तक आई नहीं बिपता, इस तो बद के कोई बिपता आई नहीं। ये बिपता जिहड़ी सीगी सब तो बिग सीगी, क्योंकि इस तो नूह ते नूह दे घराने तो इलावा, जानवरों तो इलावा कोई बचिया नहीं धरती दिती। हाले लुईया। मैं चाहना कि इस तो बड़ी भी बिपता आ जाए तो परमेश्वर कहे भाई राजकुमार मैं तेनों बचाना चाहना, सुनीता मैं तेनों बचाना चाहना, अजय मैं तेनों बचाना चाहना, परमेश्वर थोड़ा नाम लैके थोनों ब्लैस करे। हाले लुईया। रवीर मैं तेनों बचाना चाहना, बलवीर मैं तेनों बचाना चाहना, परमेश्वर थोड़ा नाम लैके, कमल जी थोड़ा मैं बचाना चाहना, परमेश्वर थोड़ा नाम लैके थोनों ब्लैस करे। हाले लुईया। इस तरह कह के धर्मी बंदे ने मेरे ते समर्पण किया, मेरे आदेश नूं मन्निया, सेम परमेश्वर नूह की तरह तुहानू बचाएगा बड़ बड़िया महामारियों के विचों, बड़े बड़े संकट के विचों परमेश्वर तुहानू बाहर कढ़ेगा। हाले लुईया हाले लुईया। वो हर मुश्किल के बिच मेरे नाल नाल रहिंदा है। हाले लुईया हाले लुईया। इसलिए परमेश्वर की आराधना करांगे, परमेश्वर की स्तुति करांगे, परमेश्वर की महिमा के विच वधांगे। हाले लुईया। मूसा बाइबल दे विच लिखिया, जदों मूसा पहाड़ दे उत्ते गया, कूच 24 दी 18 आयत दे विच लिखिया आ, ताकि असी परमेश्वर दे वचन नूं होर अगे वधा सकीए। 24 दे आए जदों असी उहदा कढ़दे आ बाइबल दे विचों, उहदा 18 आयत दे विच की लिखिया आ, अते मूसा बदल दे विचकार चलिया गया हर पहाड़ उत्ते चढ़ गया, तां मूसा पहाड़ उत्ते 40 दिन अते 40 रातां रहा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने उन्होंने अपने कोल लॉकडाउन कर लिया, 40 दिन 40 रातां अपने कोल परमेश्वर ने उन्होंने की कर लिया, उन्हें आइसोलेट कर दिता परमेश्वर ने, परमेश्वर ने उन्होंने अपने कोल रख लिया उत्ते, उन्होंने बिल्कुल एक लॉकडाउन दे विच कैद रखिया। वाई मूसा क्यों परमेश्वर दे नाल 40 दिन 40 रातां रहा? परमेश्वर नूं जानण दे लई, परमेश्वर नाल संबंध कायम करन दे लई, परमेश्वर नूं करीब तो जानण दे लई, परमेश्वर दी इच्छावां नूं जानण दे लई, परमेश्वर दी मर्जी नूं पूरा करन दे लई, परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखण दे लई, परमेश्वर उत्ते खुश सगा, इस करके परमेश्वर ने अपने कोल उन्हूं बुलाया। हाले लुईया। बाइबल दे विच लिखिया आ परमेश्वर ने मूसा नूं अपने कोल बुलाया। जो असी यदि 12 आयत पढ़ते हैं, इतने लिखा फिर यहोवा ने मूसा नूं आख्या मेरे कोल पहाड़ उत्ते आ अते उत्ते रह, तां जो मैं तेनू पत्थर दीयां पट्टियां अते बविस्ता अते हुक्म जेड़े मैं उन्हां दी शिक्षा लई लिखे हन दमा। हाले लुईया। परमेश्वर ने उन्हूं अपने कोल बुलाया अते उन्हूं कहा कि तू मेरे कोल आ अते जेड़ियां नियम जेड़ियां विधियां जिहड़ियां पट्टियां मैं लिखियां आ उह तैनू सौंपा। आमीन। परमेश्वर कहिंदा मैं तैनू सौंपा, परमेश्वर कहिंदा मैं तेरे उत्ते भरोसा करदा आ, नूह दी तरह मूसा दी तरह। परमेश्वर अज सानू ब्लैस करना चाहुंदा, कहिंदा मैं तुहानू चुनना चाहुंदा आ, तुसी मेरा वर्क करो, तुसी मेरे लिए अगे वधो। हालेलुया। कोई वधे चाहे ना वधे,
परमेश्वर तुहानू देख के कह रहा है तुसी धर्मी हो, मैं तुहाडे उत्ते रहमत करदा दया करदा, मैं तुहाडे उत्ते ओ क्वालिटीआं देखदा हां, तुसी ब्लेस्ड होवो, यू आर ब्लेस्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर अज दी नाइट अज दे डे तुहानू ब्लेस करना चाहुंदा आ। बाइबल च लिखा परमेश्वर ने कहा मूसा मेरे कोल आ, 40 दिन 40 रातां मूसा परमेश्वर की शरण दे विच रहा, उस पहाड़ दे उत्ते रहा, उस परमेश्वर की रोशनी दे विच रहा, प्रकाश दे विच रहा। जदों मूसा वापस आया तां ओह मूसा ही नहीं रहा बल्कि उसकी लाइफ ही चेंज हो गई, ने परमेश्वर दे के अभिषेक दे नाल भर गया, मसा दे नाल भर गया। बट उन्हें मूसा ने अपना आराम, अपना महल, अपना पैसा, अपनी हर एक ख्वाहिश, अपनी इच्छा सारी परमेश्वर दे उत्ते छड़ दित्ती। हालेलुया, ने परमेश्वर की सेवकाई दे लई, परमेश्वर दे परमेश्वर दे वचन नूं फैलाण दे लई, इजराइलियां नूं गुलामी चों कढ़न दे लई उन्हें पूरी तरह अपने आप नूं समर्पण कर दिता। परमेश्वर ने उन्हें 40 दिन अपने कोल रखा, दिन रातां जिहड़ा मूसा सीगा परमेश्वर दे हजूरी दे विच रहा 40 दिन रातां। हालेलुया, परमेश्वर उन्हें इन्ना ब्लैस किया, इन्ना ब्लैस किया, फिर वो राजा भी उहदा बाल भी बिंगा नहीं कर सकिया, फिर वो राजा की सेना बाल बिंगा नहीं कर सकिया, समुंदर नहीं कुछ बिगाड़ सकिया, कोई महामारी नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इन्ना ब्लैस कर दिता सीगा। पर मूसा का समर्पण की सीगा, क्योंकि उन्हें सारा कुछ आरामदायक छड के परमेश्वर ने चुनिया, परमेश्वर के वचन चुनिया। नूह ने शर्मिंदगी सही परमेश्वर के लिए, लज्जत सही परमेश्वर की सेवा लिये लज्जित होया, लोग तो मजाक उड़ा रहे थे नूह किस्ती बना रहा, पर वो पिछे नहीं हटे। परमेश्वर कहता कि अज तुहाडी वारी आ, हालेलुया, अज तुहानू मैं अभिषेक करना चाहुंदा, मसा करना, रेडी हो जाओ, मैं तुहाडे प्रेयर करन जा रहा यीशु दी सामर्थी नाम दे विच, ताकि तुसीं नूह ते मूसा की लाइफ के जो 40 डे 40 नाइट का अभिषेक सीगा उन्होंने पाया, मसा सीगा पाया, उन्हां तो तुसी बरकत पा सको। हालेलुया, ये 40 डे खत्म नहीं होया, 40 डे संडे नूं असीं फिर खुलासा करांगे, 40 डे की सामर्थ तुहाडे उत्ते उतरेगी। 40 डे आखिर क्यों 40 डे जिहड़ा मशहूर आ बाइबल दे विच, 40 डे 40 दिन क्यों, 40 रातां क्यों मशहूर आ बाइबल दे विच। परमेश्वर हो सकता आ कि 2040 दे विच खुद ही यस्सू आ जाए, परमेश्वर की इच्छा दे नाल, अपनी मर्जी ना, आई डोंट नो, बट पवित्र आत्मा करेगा, पवित्र आत्मा कर सकता आ। ये क्लीयर नहीं मैं बोल रहा, पर परमेश्वर की हजूरी दे विच हो सकता कि परमेश्वर इस दिन नूं अपना आने वाला डे बना ले। मैं चाहना चौकस रहो, वो आने वाला दिन निकट आ, साडे बूहे ते आ, खड़का रहा, वफादारी ना चलो, अपनी धन दौलत दे उत्ते भरोसा ना करो, जमीन जायदाद दे उत्ते भरोसा ना करो, धियां पुत्रां दे उत्ते भरोसा ना करो। भरोसा करन दा मतलब डिपेंड ना हो जाओ, उत्ते अपना जीवन निर्धारण ना करो कि ये मेरे नाल आ ते मैं बचा हुआ, नहीं, जे परमेश्वर तुहाडे नाल आ तद तुसी बचे हुए हो, जे परमेश्वर तुहानू कह रहा तुसी ब्लैस हो, मेरी हजूरी दे विच ब्लैस हो, तद तुसी बचे हुए हो। हालेलुया, क्योंकि सब चीज़ां नाश हो जाणियां, परमेश्वर का वचन कदे नाश नहीं होना जिन्हें सानू बचाउणा आ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस तो पहला कि मैं तुहाडे प्रेयर करा, जल्दी अपने आप को रेडी करो, परमेश्वर का अभिषेक तुहाडे उत्ते उतरे, मसा उतरे, अज तुहाडियां समस्यावां जाण यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया, ओ साडे नाल नाल रहिंदा, पवित्र आत्मा साडे नाल रहिंदा आ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप करो परमेश्वर की, हालेलुया, वर्शिप करो, आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, बाप वांगू रखदा फिकर ते मां वांगू रखदा ख्याल है, हर मुश्किल दे बिच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है,
हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हालेलुया। हर समस्या विच, हर मुश्किल दे विच प्रभु यीशु साडे नाल है। हालेलुया। बाइबल च लिखा कि बहुत सारे लोग ब्याह करते होंगे, बहुत सारे लोग पार्टियां करते होंगे, उदो यीशु दा आना होगा। भूचाल आणगे, तूफान आणगे, महामारियां फैलनगियां, तो उदो यीशु दा आना होगा। यीशु मसीह जल्द आ रहा, यीशु की उड़ीक दे विच, यीशु मसीह की सामर्थ दे विच अगे वधो, उदा अभिषेक पाओ, उदा मसा पाओ। उदे मसा तो बिना कुछ भी नहीं आ। इस तो पहला कि मैं तुहाडे सामर्थी प्रार्थना करा, अपने आप डैडी करो, तैयार करो। जिन्हां दी पेट समस्यावां उभार आ रही, यीशु दे नाम विच इनफेक्शन बाहर आया, यीशु मसीह नाल बी पी कंट्रोल हो रहा, यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। रब अलाबा शोदो, सारी समस्या जा रही आ यीशु दे नाम विच। फिजिकली गुप्त रोग हट रहे हैं यीशु दे नाम विच। हर एक फोड़े फेंसनिया नाश हो रहा, यीशु नाम खत्म हो रहा। तुहाडा एलर्जी की प्रॉब्लम जा रही है, हर एक हार्ट की प्रॉब्लम जा रही है, शुगर की प्रॉब्लम जा रही है, अखां की थायराइड की यीशु दे नाम विच प्रॉब्लम जा रही है। गिल्टियां रसौलियां फिस रही बाहर आ रही यीशु दे नाम विच। रब्बा शोदो रबोथी लबा बाबा रीखा रबा रबा बाबा शोदो रबोथी लबा बाबा। अज हरेक बेटी हरेक बेटे शु पवित्र आत्मा री बाबा बाब शुद्ध रबो। हर एक जादू टूने का असर हटे, हर एक पैसे की समस्या जाए, हर एक फिजिकली प्रॉब्लम जाए। हालेलुया। हर एक पाप की बदरू जाए, बुरे कनैक्शन टुटन यीशु के नाम विच। मेरी प्रार्थना परमेश्वर अज तेरे लोग अभिषेक ना भर जान, मसा ना भर जान। प्रभु तुसी इन्हों देख के कह सको यू आर ब्लैस, यू आर ब्लैस। हालेलुया। परमेश्वर तुसी कह सको जिवें तुसी मूसा नूं कहा, जिवें तुसी नूह नूं कहा। परमेश्वर 40 दिन रातां उन्होंने अपने कोल रखा, अपनी शरण दे विच रखिया, अभिषेक ना भरिया। अज प्रभु मैं प्रार्थना करदा हरेक दर्द जिन्हां दीआं बॉडियां दे विचों जाए, हड्डियां दी प्रॉब्लम जाए, नसा दी प्रॉब्लम जाए, बंद नाड़ा खुलन, जिहड़े बोल नहीं सकदे बोलन, देख नहीं सकदे देखण। रब अलाबा शोदो रबो, गंदियां बीमारियां जाण, गंदियां बदरूहां जाण, यीशु दे नाम विच गंदे शराब जाण, बंद कुखां खुलन। मैं प्रार्थना करदा उन्हां भैणां दे लई जिन्हां कोल बेबी नहीं, यीशु दे नाम विच ऐसे ही साल दे विच प्रैगनेंट होने, यीशु दे नाम विच ब्लैस, यीशु दे नाम विच ब्लैस, यीशु दे नाम विच होण। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अरा बला बा शोदो रबो थी ला बा 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 रे बे बे शोदो रबो री खा ला बा रा बा रा बा शोदो रबो। पवित्र आत्मा दी सामर्थ खुले, पवित्र आत्मा दा अभिषेक उतरे। अज प्रभु परमेश्वर तेरे लोग आजाद होने यीशु दे नाम विच, मीना आजाद होवे यीशु दे नाम दे विच। रब अलाबा शोदो रबो थी का रा बा 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 बा। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा का अभिषेक हरेक दे उत्ते ठहरे। प्रभु तू बुद्धिमान परमेश्वर, अपने लोगों नूं बुद्धि देने वाला परमेश्वर आ। अज घर दे विच तेरे लोग ब्लैस होण। अज दी मीटिंग एक सामर्थी मीटिंग, अभिषेक मीटिंग बन जाए। अज दा वचन प्रभु इन्हां दे लई अभिषेक, इन्हां नूं खड़ा करे परमेश्वर। इन्हां दी तरक्की दे वल वधण, इन्हां दे कदम तरक्की दे वल वधण, जॉबां खुलण यीशु दे नाम दे विच। अज हरेक हरेक फिजिकली समस्या जाए यीशु दे नाम विच। अज मैं बोलदा पवित्र आत्मा छुए इन्हां नूं, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, छुए। टच 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 नेम ऑफ जीसस का टच 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 टच। इन्हें बीमारियां जान जान जान, गो कम आउट इन द नेम ऑफ दुष्ट आत्मा, कम आउट कम आउट कम आउट कम आउट बाहर आने यीशु के नाम के। इसी समय तेरा फजल नजर आवे, तेरी दया, गुड न्यूज़ आने शुरू हो जाए परमेश्वर। गुड न्यूज़ आ, इन्हें झोलियां भरन। रब अलाबा शोदो रबो थी कर बाबा, इन्हें खाली खाली बर्तन भरन यीशु के नाम। अकाउंटा च तेरी मराइकल मनी आवे। शैतानी चीजा दुष्ट आत्मा जादू टूने जो इन्हें अंदर बास कर चुके, बाहर आने यीशु दिन उल्टिया के द्वारा बाहर आने। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबा शुद्ध रबो थी काला बाबा। प्रभु जो 5 साल तो नीचे बच्चे, मैं स्पैशल उन्होंने प्रे करना, प्रभु अपनी हजूरी दे संभालो, उन्होंने आत्मा के द्वारा चलाओ। हरेक प्रभु परमेश्वर इन्फेक्शन तो बचा के रखो परमेश्वर। मेरी प्रार्थना अज ही उन्होंने उत्ते तेरी वड्डी दया होवे, वड्डी कृपा होवे। रब अलाबा शोदो रबो थी काला बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਪੈਸੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ 'ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹਟ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹਟ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਲੀਆਂ ਹਟ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਕੁਣੇ ਹਟ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਹਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਸਾ ਉਹ ਰੱਬ ਲਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਲਵਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰੋ, ਰੱਬਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਬੋਥਿਕਾ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਤ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹਨ। ਰੱਬਾ ਲਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਬੋਥਿਕਾ ਰੱਬਾ ਬਾਬਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰੁਬੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਲ ਲਿਆ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਡੇਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਰੀ ਬਾਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰੁਬੁਤ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਜੋ ਲਾਈਵ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਔਰ ਟੱਚ ਕਰ ਔਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਲਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਅਸਮਾਨੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਮੱਤੀ 3:10 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਅਸਮਾਨੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭੰਡਾਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਹੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋਣੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਚੌੜੇ ਹੋਣੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਰੱਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਬੋਥੀ ਕਰਾ ਬਾਬਾ ਬਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨਲਾਈਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਨਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਦੋ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ। ਰੱਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਬੋਥਿਕਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਰੱਬ ਅਲਾਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਬੋਥਿਕਾ ਲਾਬਾ ਬਾਬਾ, ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਅਲਾਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਬੋਥਿਕਾ ਲਾ ਬਾਬਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਈਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੀ ਸਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਆ, ਬਿਗ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਥ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ ਆ, ਔਰ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕੋ, ਬਚ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਮਸਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਇਓ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਧੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੋ।
God bless you. Jam Singh Saran, praise the Lord. Good night, good morning. God bless you. Jam Singh Saran. Thank you, Jesus.